ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे गोडाउन क्रिएशन। अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसका व्यापार फैला हुआ है या उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में माल खरीदना होता है, बेचना होता है, तो उस माल को रखने के लिए उसे गोडाउन्स मेंटेन करना होते हैं। मान लीजिए एक से ज़्यादा गोडाउन्स अगर हैं, तो ऐसे में किस गोडाउन में माल आ रहा है, किस गोडाउन से माल बेचा जा रहा है, इस सब का हिसाब किताब रखना होता है। वो टैली में कैसे रखा जाता है, आइए अब हम ये सीखते हैं। अब गोडाउन्स मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो हमको जाना होगा फीचर्स में। F11 की हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कंपनी फीचर्स में इन्वेंटरी फीचर्स ये ऑप्शन होता है, इसके लिए I प्रेस करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर इन्वेंटरी फीचर्स में दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पर अब हमको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स ये ऑप्शन मिलता है, इसको हमको करना है यस। ये वाई लिखकर हमने एंटर प्रेस कर दिया। हमको केवल यही ऑप्शन इसमें चालू करना था और इसको एक्सेप्ट करने के लिए अब हम कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। ये एक्सेप्ट हो गया। अब इस तरह से गोडाउन वाला ऑप्शन हमारा चालू हो गया है। अब यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप की दबा देंगे। गोडाउन का फीचर तो हमने ऑन कर दिया है, अब हमको गोडाउन्स क्रिएट करना होंगे। उसके लिए हमको जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो पर। हम इसके लिए प्रेस करेंगे आई। अब देखिए हम इन्वेंट्री इन्फो पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोडाउन्स वाला ऑप्शन अब आ गया है। गोडाउन्स पर जाने के लिए हम डी प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर गोडाउन्स वाला बॉक्स आ गया है। अब इसमें आपको सिंगल गोडाउन, मल्टीपल गोडाउन्स दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप सिंगल गोडाउन में एक एक करके गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल गोडाउन्स में आप एक साथ एक से ज़्यादा गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। हम अभी सिंगल गोडाउन पर चल रहे हैं और एक एक करके हम गोडाउन्स क्रिएट करेंगे। गोडाउन्स क्रिएट करने के लिए हम सी प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए गोडाउन क्रिएशन वाली विंडो आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम के लिए ऑप्शन है, पर यहाँ पर एड्रेस नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि गोडाउन की रिपोर्ट जब आप निकालें उसमें एड्रेस भी प्रिंट होकर आए, तो उसके लिए हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है F12 की आप दबाएंगे। देखिए F12 की दबाने पर हम आ गए गोडाउन कॉन्फ़िगरेशन पर। अब इसमें पहला ऑप्शन है अलाउ अलियाजेज अलॉन्ग विद नेम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम के नीचे अलियाज, मतलब अगर आप जो भी नाम अपने गोडाउन को दिया है उसको कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो वो अलियाज है। ये ऑप्शन तो यस रहता ही है। अगला ऑप्शन है अलाउ लैंग्वेज अलियाजेज अलॉन्ग विद नेम्स, यानी जो भी आपने नाम दिया है गोडाउन को उसके साथ अगर किसी दूसरी भाषा में आपको कोई दूसरा नाम देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। हमें अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे नो रहने दें। आगे बढ़ जाएंगे। यूज़ एड्रेसेस फॉर गोडाउन्स। तो गोडाउन के नाम के साथ आप चाह रहे हैं कि एड्रेस भी आए, तो इसे यस करने के लिए हम यहाँ वाई लिख करके एंटर प्रेस कर देंगे। और अब हम गोडाउन्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमारे कई गोडाउन्स हैं। एक गोडाउन हमारा मऊ में है, एक गोडाउन सांवेर में है, और इंदौर सिटी में यानी शहर में, ये हमारा मेन लोकेशन है, यहाँ पे हमारे दो गोडाउन्स हैं। तो पहले हम सिंगल गोडाउन बना लेते हैं। पहले बनाते हैं मऊ गोडाउन। एंटर प्रेस करेंगे। अगर कोई दूसरा नाम इसे आपको देना है तो दे सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर डाल देंगे एड्रेस किशनगंज मऊ। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको दो ग्रुप नज़र आ रहे हैं, प्राइमरी और मेन लोकेशन। जैसा कि हमने आपको उदाहरण में बताया था कि मऊ और सांवेर में हमारे एक एक गोडाउन हैं, तो ये इंडिविजुअल हैं। एक एक गोडाउन हमको एक बार में देखना है तो इसको हम बनाएंगे प्राइमरी के अंदर। और मेन लोकेशन के अंदर जैसे इंदौर सिटी में हमारे दो गोडाउन्स हैं, तो इंदौर सिटी को हम मेन लोकेशन में बना लेंगे, जिससे कि आपको दोनों गोडाउन्स जो हैं वो एक साथ नज़र आ जाएंगे। तो मऊ गोडाउन जो है हमारा, उसको हम बना रहे हैं प्राइमरी के अंतर्गत। इसको हम एंटर प्रेस कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मऊ गोडाउन हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम बनाते हैं सांवेर गोडाउन। आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे एड्रेस। ये हमने एड्रेस डाल दिया, इंडस्ट्रियल एरिया सांवेर।
आगे बढ़ेंगे। ये भी हमको प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही बनाना है, एंटरप्रेस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंटरप्रेस करके। ये सांवेर का गोडाउन भी बन गया। अब हम बनाते हैं इंदौर सिटी के गोडाउन्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारे इंदौर सिटी में दो गोडाउन्स हैं और हम इनको एक साथ देखना चाहते हैं, इसलिए हमें पहले इंदौर को मेन लोकेशन बनाना होगा और फिर उसके अंदर हम दोनों गोडाउन्स बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ नेम की जगह हम ले लेंगे इंदौर लोकेशन। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर इंदौर लोकेशन जो है वो हमारा गोडाउन नहीं है, बल्कि एक हम ये मान लें कि ये ग्रुप है जिसके अंदर हम दो गोडाउन्स बनाएंगे जो कि इंदौर लोकेशन में अलग अलग जगह पर हैं, इसलिए यहाँ हमको एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आगे अब हम बढ़ेंगे और अंडर में ये आएगा मेन लोकेशन के अंतर्गत, तो हम चुन लेंगे मेन लोकेशन और अब आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंटरप्रेस करके। अब इंदौर लोकेशन में या इंदौर सिटी में हमारे जो दो गोडाउन्स हैं अलग अलग जगह पर, वो हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने हमारा पहला जो गोडाउन है छावनी में, हमने यहाँ डाल दिया छावनी गोडाउन 1। और अब हम यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे मुराई मोहल्ला छावनी इंदौर। आगे बढ़ेंगे। अंडर में अब हमको लेना है इंदौर लोकेशन, क्योंकि ये इंदौर लोकेशन के अंदर है। आगे बढ़ेंगे और एंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरा गोडाउन हमको क्रिएट करना है इंदौर लोकेशन में। नाम हमने डाल दिया, ये पलासिया में है, तो यहाँ पर डाल दिया पलासिया गोडाउन 2 और एड्रेस फिर यहाँ डाल देंगे ओल्ड पलासिया इंदौर। आगे बढ़ेंगे और ये भी इंदौर लोकेशन के अंतर्गत ही आएगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे एंटरप्रेस करके। अब ये हमारे सारे गोडाउन्स क्रिएट हो गए हैं। एस्केप की से बाहर आ जाएं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा गोडाउन क्रिएशन।